गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ गेट के बायोटेक्नोलॉजी की सिलेबस एनालिसिस के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी की सिलेबस एनालिसिस, क्योंकि इस पर सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में गेट 2021 के। तो व्हाट आर द चेंजेस, वो चेंजेस क्या हैं, उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इससे पहले जो सिलेबस था वो थोड़ा सा अलग था, कंटेंट बहुत अलग नहीं हुआ लेकिन पैटर्न थोड़ा सा अलग किया है। तो इसका मतलब है वेटेज कुछ कुछ इधर उधर किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में एक सेक्शन पहले भी मैथमेटिक्स का था, ये अभी भी मैथमेटिक्स का एक सेक्शन है, ये कहीं गया नहीं है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अभी भी ये सेक्शन आपके पास पाया जा रहा है। लीनियर एलजेब्रा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लीनियर एलजेब्रा किसी भी गेट बायोटेक्नोलॉजी को पेपर जो भी आता है, जिसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये चीज़ें आप पढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट है, लिमिट्स के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के भी कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से आते रहते हैं, एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, दिस वन। तो ये जो है इससे क्वेश्चंस नॉट इवन मैथमेटिक्स, इवन एप्टीट्यूड में भी आपको हेल्प करते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा न्यूमेरिकल टॉपिक या मैथमेटिकल टॉपिक है, इट विल हेल्प यू इन ऑल द एग्जामिनेशंस, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के बिना डेटा का मैनिपुलेशन या डेटा का इंटरप्रिटेशन जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स चाहे आप लाइफ साइंस CSIR की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, ये पार्ट इसके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो अगर ऑर्डर की बात बोला जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर एलजेब्रा, देन उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, देन कैलकुलस। अगर ये तीन भी पढ़ लेते हैं आप ढंग से तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो आते हैं, जो डिवीजन होता है गेट का, मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाके चैनल पे देख लीजिएगा। वो डिवीजन आप अगर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं 5-5-10 क्वेश्चन टोटल 15 नंबर के आसपास, या 15 नंबर का मैथमेटिक्स जो है ऑलमोस्ट 10 से 15 नंबर के मैथमेटिक्स में से आप आराम से 10 नंबर ले सकते हैं आराम से, अगर चाहेंगे तो, इतने तीन चीज़ों को पढ़ के। बाकी आपकी चॉइस है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं पढ़ना चाहते। ये सिलेबस का जो पोर्शन है वो आपका अनचेंज्ड है। नाउ विल टॉक अबाउट देयर इज सेक्शन 2, दैट इज जनरल बायोलॉजी सेक्शन। क्या है जनरल बायोलॉजी सेक्शन? अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है इन्होंने, देखना। जनरल बायोलॉजी सेक्शन मतलब सब में कॉमन होता है, वन इज बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ये जो है ये तीन सेक्शन इन्होंने इंक्लूड किए, ऑलमोस्ट बेसिक कंटेंट ये है, इनके अंदर के कंटेंट वही है। देखो बायोमोलिक्यूल, मेम्ब्रेन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मोलिकुलर कहते हैं मोटर्स, एक्शन पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, ये सारे सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लेकिन इट इज़ इंक्लूडेड इन द बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड कर दिया। तो ऐसा नहीं कि सेल बायोलॉजी गायब है, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर फॉर्म में। माइक्रोबायोलॉजी इज देयर जहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इम्यूनोलॉजी जो है ये पोर्शन है, तीन पोर्शन जनरल बायोटेक्नोलॉजी या जनरल बायोलॉजी का सेक्शन है जो कि इन तीनों के इक्वली वेटेज पे चलता है। इसके बाद इन्होंने जेनेटिक्स, सेलुलर, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड ये चीज़ अलग कर दी है। अगेन देखना कि एक सेक्शन जो था जनरल बायोलॉजी का था, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो एंड इम्यूनो का था, एक सेक्शन इन्होंने जेनेटिक्स, सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी की है, जहाँ पे जेनेटिक्स आप पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से लेकर मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ते हैं, फिर सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ते हैं। ये सेक्शन इन्होंने अलग कर दिया जेनेटिक्स, सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का, ये सेक्शन थर्ड है। आपके सेक्शन वाइज वेटेज दिए जाएंगे, क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं के अकॉर्डिंगली वेटेज जो होगा मिलता रहेगा। तो एक सेक्शन आपको दिखाया मैंने जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर ये था, पहले ऐसा नहीं होता था, ये सब एक ही सेक्शन में इंक्लूडेड थे, अब इन्होंने दो अलग सेक्शंस कर दिए इसको डिवाइड करके। इसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक अलग सेक्शन, बायोलॉजिकल नॉट बायोलॉजिकल प्रोसेस को, इसमें कुछ जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनको अलग से रखा है सेक्शन 4 क्रिएट करके। सेक्शन 4 इज फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के नाम से, ये अब बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग पे चल रहा है, जहाँ पे आपके बायोलॉजिकल सिस्टम पे जो बेसिक चीज़ है, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंसेस है, रिएक्टिव सिस्टम्स है, रिसाइकिल कॉन्सेप्ट है, ये स्टोचियोमेट्री है, ये सब है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोएनर्जेटिक्स का फंडा आता है यहाँ पे, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस जहाँ पे आपके हीट एंड मास ट्रांसफर इन्वॉल्व होंगे, LMTD, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन, ये आपके फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। अब ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का आधे हिस्से को इन्होंने इसमें कर दिया है, मतलब इसको भी एक इंपॉर्टेंस दे दिया, मतलब इससे भी क्वेश्चंस आएंगे आएंगे। इसके बाद सेक्शन 5 को रखा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी में। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का बाकी जो पंगा है या बाकी जो पोर्शंस है, दैट इज
रिएक्शन काइनेटिक्स या रिएक्टर इंजीनियरिंग, जैसे आइडियल रिएक्टर्स, बैच, मिक्स्ड बैच, फ्लूइड प्लग फ्लो, फेड बैच, CSTR, ये सारे यहाँ पे आते हैं। और कुछ कुछ इन्होंने नंबर्स जो दिए, जैसे थिली मॉडुलस है, डैम कूलर नंबर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि वन मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। इसी में इन्होंने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग दिया है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी इसी में दिया है। सो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के जो बेसिक चीज़ें हैं उसको इन्होंने अलग कर दिया सेक्शन 4 में, और दूसरे सेक्शन को इन्होंने सेक्शन 5 में रख दिया। तो आधा हिस्सा सेक्शन 4 में मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का आधा पोर्शन सेक्शन 5 में मिल रहा है। जैसे इन्होंने यहाँ पे भी सेक्शन 2 और 3 को, जो जनरल बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन था उसको पहले इन्होंने जनरल बायोलॉजी, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी रखा था, यहाँ पे इन्होंने जेनेटिक्स एंड सेलुलर बायोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी को रख दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है 6 प्लांट। अब देखो कि यहाँ पे जो है प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, ये है 6 पार्ट। मतलब इसको भी इन्होंने एम्फोसाइज किया, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल में जो आपके बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक, ये जो एप्लीकेशन पार्ट होते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन लार्ज स्केल, जो कि एक्चुअली हम यहाँ पे पढ़ते थे बायोप्रोसेस में या प्रोसेस इंजीनियरिंग में, इस प्रोसेस इंजीनियरिंग का ये हिस्सा हटा के यहाँ पे इन्होंने रख दिया है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी को, प्लांट्स बायोटेक्नोलॉजी एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के साथ रख दिया। सो दिस इज द केस हियर, यहाँ पे भी इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप इसे देखेंगे वेटेड है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बाकी टूल्स को इन्होंने एक साथ रखा है, द ऑल द टूल्स जो पहले जनरल बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स कुछ आते थे, यहाँ पे देखो RDT अलग रखा है, मॉलिकुलर टूल्स को अलग रखा, एनालिटिकल टूल्स को अलग रखा है, कंप्यूटेशनल टूल्स को अलग रखा है। तो सारे टूल्स, नो अदर सेक्शंस फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का अलग सेक्शन या सलाह अलग नहीं है, वो टूल्स वाले में ही। तो सेक्शन 7 आपके यहाँ पे रखे गए हैं। तो सिलेबस में आप देख रहे होंगे कि कई सारे चेंजेस जो हैं वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस। एक बार मैं फिर से अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, मैथमेटिक्स तो फाइन था भैया, लेकिन जनरल बायोलॉजी में, जनरल बायोलॉजी एक सेक्शन था, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फिर उसके बाद सेक्शन 3 में जो था आपका सेलुलर, जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेक्शन 4 में फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस का पहला हिस्सा जैसे मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, थर्मोडायनेमिक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, 5 में बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, रिएक्टर इंजीनियरिंग, और ये सारे पार्ट थे प्रोसेसिंग। उसके बाद 6 में आपके ये सारा सेक्शन था जो कि आपके प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड उसके अलावा 7th में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर टूल्स, एनालिटिकल टूल्स एंड कंप्यूटेशनल टूल्स, तो ये सारे जो हैं आपके पार्ट आ गए। तो टोटली देखा जाए तो इस बार जो पहले कुछ कम सेक्शंस पाए जाते थे, इस बार जो आपके सेक्शंस हैं वो कितने सेक्शंस हैं टोटल, अगर मैथमेटिक्स को एक्सक्लूड कर दें या इंक्लूड करके भी चलेंगे तो 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। दिस इज, इसमें जो था आपका बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें जो था जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, फोर्थ वाले में जो था फंडामेंटल में जैसे मटेरियल बैलेंस था, मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद इन जो नॉर्मल चीज़ें थी आपका थर्मोडायनेमिक्स था, और उसके बाद था आपका ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, आपके मास एंड हीट ट्रांसफर। फिफ्थ में आपका बायो प्रोसेस था, एंड बेसिकली कंट्रोल एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अप एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग थे, DSP जिसको बोलते हैं। सिक्स्थ में इन्होंने जो दिया था एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, एंड 7th पोर्शन में इन्होंने टूल्स दिए थे। अब टूल्स में बेसिकली RDT था, उसके बाद मॉलिकुलर टूल थे, उसके बाद एनालिटिकल टूल थे, एंड उसके बाद जो था आपका कंप्यूटेशनल टूल था। दीज आर द केसेस, फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स, ये केस बन रहा था, ठीक है। तो अगर हम जब इस चीज केस में देखते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो देयर इज मल्टीपल फंडामेंटल चीजें। अगर आप देखेंगे आपके पास टोटल पेपर कितना होता था, टोटल क्वेश्चन जो आते थे वो आते थे 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन जो होते थे 100 नंबर का, मतलब 100 नंबर में बनता है, 65 में से 15 क्वेश्चन जो होते हैं दे आर फॉर एप्टीट्यूड, 85 इसमें होते हैं, इस 85 में से ऑलमोस्ट जो होते हैं 15 नंबर मैथमेटिक्स पे चले जाते हैं, बचा आपके पास 70 वन। यही जो 70 क्वेश्चन है, 70 नंबर है, इसी इन आपके 6 में से डिवाइडेड होंगे, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखे जाए कि 70 मार्क्स जो होंगे इसी में से डिवाइडेड होंगे, मतलब कुल मिला जुला के
70 मार्क्स के हिसाब से देखोगे 10-10 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे, 10 से 12 ठीक है, 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं सब में से डिवाइडेड होंगे। और ये जो है 10-12 मार्क, मतलब आप समझ सकते हो 10 मार्क के लिए बेसिकली चार नंबर जो होंगे आपके, 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे एक नंबर के होंगे अगर लिटरली बोला जाए ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या चलेगा, मोस्ट जो है कि 10 नंबर, 10 से 12 नंबर जो है 10-12 मार्क्स जो है आएंगे, जिसमें कि 3 क्वेश्चन के आसपास आपके, 3 से 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के। तो हर एक यूनिट से अगर आप नॉर्मल बोला जाए तो एक क्वेश्चन जो नॉर्मल, हर एक यूनिट जो है 3-3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑलमोस्ट लास्ट वाला जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। हर एक यूनिट से ऑलमोस्ट एक मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क का आएगा, मतलब हर एक यूनिट से बायोकेमिस्ट्री से। तो जितने भी टॉपिक इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है ना, एटलीस्ट उन टॉपिक्स का बेसिक्स जरूर पढ़ लेना। यू डोंट नो कि एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो कहाँ से आ गया, ठीक है, वो एक क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा। और वो क्वेश्चन जो बेसिक चीज़ें हैं, देखो बहुत ज़्यादा इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। अगर आप देखोगे ना, जैसे कि मैं पहले बात करता हूँ जनरल बायोलॉजी के लिए, बायो ऑलमोस्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आप पढ़ लेना सारी चीज़ें, फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन यहाँ से भी आ सकता है, एंजाइम क्लासिफिकेशन इससे भी आ सकता है, काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, माइकलिस इस सब से, एंजाइम इनहिबिशन से आ सकते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। गेट में बहुत वाइड चीज़ें हैं जिस हिसाब से करता है, आपके पास पॉसिबिलिटी जो होती है वो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट आइडिया दे दिया है कि एग्जैक्टली क्या करना है। बेटा पढ़ लो जितना समय है आराम से। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी बता दूँ कि 14th of November, क्या मैंने बोला, 14th of November से हम लोग गेट का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये कोर्स जो होगा, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमने जो है पिछले सेशन में जब एक मंथ का कोर्स लॉन्च किया था, हमने 75+ सिलेक्शन दिए थे पहले बैच में, जो कि अपने सिलेक्शन हमारे थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। तो वी डोंट बिलीव इन लाइक सेइंग समथिंग कि हाँ बस हम अच्छे हैं या हम अच्छे हैं या सारी चीज़ें हैं। जस्ट गो एंड सी द परफॉर्मेंस, ऑल्सो टॉक टू द लर्नर्स जो भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, या उसके अलावा जो है मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप छोटे दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि आपको बताने की ज़रूरत है। आप जुड़िए, देखिए और डेफिनेटली क्या चीज़ें क्या नहीं है। तो जुड़ सकते हैं आप इसके लिए। 14th of November से स्टार्ट हो रहा है गेट का क्रैश कोर्स। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा गेट लाइफ साइंस के लिए, एनालिसिस के लिए वीडियो होगा जिसके बारे में हम लर्न करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। If your dream is to clear the CSIR NET Life Science, I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.